घर पे नहीं मिलेगा तो हम तो बाहर जाएंगे ही जाएंगे। ये ना एक बिल्कुल ढकोसला है, झूठी बातें हैं, खुद को तसल्ली देने वाली बातें हैं। सेक्स इज़ नॉट योर नीड, उसके बिना तुम मरे नहीं जा रहे। इट्स जस्ट समथिंग यू वॉन्ट, यू डिज़ायर, ठीक है। लेकिन उसके बिना ऐसा नहीं है कि आपका गुजारा नहीं चल रहा, आप मर जाओगे तड़प के, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं। हाई एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ शिवानी, लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और कपल स्पेशल वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि चाहे आप हो या आपका पार्टनर हो, ऐसी कौन सी बातें हैं जिनकी वजह से वो चीटिंग करने पे आ जाते हैं और चीटिंग वाला उनका नेचर बन जाता है, चीट करने लगते हैं। तो अगर ये बातें हों ही ना, तो हो सकता है आपका पार्टनर या आप खुद भी उस चीटिंग की तरफ जाओ ही ना और समय रहते संभल जाओ। तो देखिए इस वीडियो को पूरा एंड तक, और ये टिप्स अच्छे लगें, आपको काम के लगें, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर भी करना दूसरे कपल्स के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिकॉज इट्स टोटली फ्री, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं। तो फिर किस बात का वेट करें, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन दबाइए और मेरे चैनल का पार्ट बन जाइए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहला रीज़न ये हो सकता है कि आपका जो अंदर से एक्सपेक्टेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा अगर बढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली उन पर डिपेंड हो जाते हो, और जब वो चीज़ें वो फुलफ़िल नहीं कर पाते तो आपके मन में ऐसे ख्याल आने लगते हैं कि ये पार्टनर मेरे लिए सही नहीं है, ये मुझे खुश नहीं रख पा रहा है, और आप वो खुशियाँ कहीं बाहर ढूंढने लगते हो। जैसे कि अगर आप ये सोचो कि ये मुझे टाइम नहीं देता या फिर देती, दोनों की बात कर रही हूँ मैं, हस्बैंड वाइफ दोनों की, मुझे टाइम नहीं देता, मुझे खुश नहीं रखता, इसने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, छोटी छोटी चीज़ों पे उनकी स्क्रूटनी करने लगते हो। देखो मतलब अपने मन में ही मन, उनको बोल भी नहीं रहे हो ये प्रॉब्लम्स हैं या वो ठीक करने का उन्हें चांस भी दो, नहीं, मन ही मन में लेके कि अच्छा इसने ऐसे किया, अच्छा इसने ना यहाँ पे ऐसे नहीं किया, इसने यहाँ पे मेरे साथ ये गलत कर दिया, उन्हें बता भी नहीं रहे, बस अपने मन में एक्सपेक्टेशन का एक पहाड़ बना रखा है और बहुत एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं उनसे। एंड ऑफ कोर्स जब तक आप उनसे बोलोगे नहीं, उन्हें एक्सप्रेस नहीं करोगे, तो ऐसा तो है नहीं, कोई मूवी तो नहीं चल रही कि आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ सुपर रोमांटिक है या सुपर एकदम बिल्कुल ऐसा है कि आपका हर तरीके से ख्याल रख रहा है या रख रही है, नहीं ना, ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, उनको आप बोलिए, उनको एक चांस तो दीजिए चीज़ें ठीक करने का, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि जब एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा आप रख लो और वो मीट नहीं हो पाती हैं, तो फिर आप सोचते हो कि आई एम नॉट हैप्पी, ये रिश्ता तो मेरे लिए काम ही नहीं कर रहा, और आप बाहर कहीं खुशियां अपनी देखने लग जाते हो। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि आप इधर उधर थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग करते रहते हो और ख़ुद को ये समझाते हो कि हेल्दी फ्लर्टिंग ही तो है, क्या हुआ, मतलब ऐसा कुछ मैंने ज़्यादा तो नहीं कर दिया। पर ये छोटी छोटी सी ही चीज़ें ना कब बड़ा रूप ले लें पता नहीं चलता है। अभी आप थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग कर रहे हो, लेकिन सामने से भी अगर रिस्पॉन्स आने लगे, फिर आप भी थोड़ा रिस्पॉन्ड करने लगो, ऐसे ही तो चीज़ें आगे बढ़ती जाती हैं, और फिर आप कब अपने पार्टनर के साथ चीटिंग करने लगो पता ही नहीं चलेगा आपको। देखिए दूसरे लोगों के साथ हो सकता है आप कभी कभी अट्रैक्टेड फील करो, अपने पार्टनर के साथ आप हो लेकिन उसके बाद भी दूसरा आपको अट्रैक्ट कभी कभी लगने लगता है, इट्स नॉर्मल। लेकिन उन ही अपनी भावनाओं पे आपको काबू करना है और उन पे काम नहीं करना है, ठीक है। कोई अट्रैक्टिव लगा, ठीक है, उसे कभी आपने कॉम्प्लीमेंट भी दे दिया, वो वहीं तक ठीक है, उसके आगे आप उसे फ्लर्ट मत करने लग जाओ। और ऐसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरे पार्टनर को पता नहीं चल रहा तब तक ठीक है, उसके साथ डेट भी कर रहे हैं किसी और के साथ, और कभी कभी तो झूठ बोल के भी करते हैं कि मैं तो बैचलर हूँ या फिर मेरी शादी तो अच्छी नहीं चल रही, मैं तो बहुत जल्दी डिवोर्स दे दूँगा। ये बहाना मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि अपनी शादी की प्रॉब्लम्स बता के और किसी को बस फंसा लेते हैं कि अरे मैं तो बहुत जल्दी डिवोर्स दे दूँगा इसको या दे दूँगी अपने पार्टनर को, और उसके साथ रिलेशनशिप शुरू कर लेते हैं। ऐसे में गलती उस इंसान की भी है जो भरोसा कर लेता है कि हाँ ठीक है, और मैरिड मैन के साथ या मैरिड वुमेन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेता है। बहुत सारे लोग तो ऐसा सोचते हैं कि ठीक है मैरिड लोग हैं तो सही है, कमिटमेंट नहीं करना पड़ेगा, ऑलरेडी तो किसी के साथ है, दोनों बस मज़े ले रहे होते हैं, लेकिन ऐसे में पिस कौन रहा होता है, तीनों ही पिस रहे होते हैं कायदे से देखा जाए तो। और सबसे ज़्यादा वो जो पार्टनर चीट नहीं कर रहा है, अभी भी अपने रिश्ते पे काम करने की कोशिश कर रहा है, अपने पार्टनर का वेट कर रहा है, उसे लॉयल्टी एक्सपेक्ट करके बैठा है, और वहाँ पे दूसरा पार्टनर चीट कर रहा है,
खैर आगे चल के तो और उन दोनों के लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है जो इस रिश्ते में होते हैं कि किसको चूज़ करें किसको चूज़ नहीं करें। तो ऐसी चीज़ों की तरफ जाना ही क्यों, पहली बात तो आपका पार्टनर है उसी के साथ रहिए, उसके साथ खुश रहिए, दूसरा लोग कभी अट्रैक्टेड लगते भी हैं आपको वहीं पे खुद को काबू कर लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उन अपनी फीलिंग्स को और बढ़ावा देने की। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसे लोगों की थिंकिंग की जो ऐसा मन में बना लेते हैं कि मेरे पार्टनर से मैं खुश नहीं हूँ, वो मेरी सेक्सुअल नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है या कर पा रही है और कहीं बाहर से अपनी सेक्सुअल नीड्स को पूरा करते हैं। ये हस्बैंड भी करते हैं एंड वाइफ भी करती हैं। मेरे पास भी ऐसे कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े हैं कि सेक्स इज़ अ नीड, जैसे हम खाना खाते हैं पानी पीते हैं हमें सेक्स की भी नीड है, एंड अगर हमारे घर पर नहीं मिलेगा तो हम तो बाहर जाएंगे जाएंगे। ये ना एक बिल्कुल ढकोसला है, झूठी बातें हैं, खुद को तसल्ली देने वाली बातें हैं। सेक्स इज़ नॉट योर नीड, उसके बिना तुम मरे नहीं जा रहे, इट्स जस्ट समथिंग यू वॉन्ट यू डिज़ायर, ठीक है। लेकिन उसके बिना ऐसा नहीं है कि आपका गुजारा नहीं चल रहा, आप मर जाओगे तड़प के, ठीक है। ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसके बिना आप मर जाओगे, पानी आपको नहीं मिला प्यास के मतलब प्यास से आप मर सकते हो, आप खाने के बिना भूख से मर सकते हो, आप बिना सेक्स के मर नहीं सकते, ठीक है। मर नहीं रहे हो तुम सेक्स के बिना, कि अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हें सेक्सुअल नीड अब तुम्हारी नहीं पूरी कर रहा तो तुमको बाहर जाकर उन्हें पूरा करना पड़ेगा नहीं तो तुम मर जाओगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ खुद को अपनी तसल्ली देने का जरिया है। अगर आपके बीच में कोई प्रॉब्लम है, आपका पार्टनर आपको हैप्पी नहीं रख रहा है या आप हैप्पी नहीं हो, तो उस पे काम करो ना यार, उस चीज़ों को भी काम करना ना टफ होता है और उनसे भागना इजी होता है। इजी वे क्यों अपनाते हो, जब किसी को साथ लेके उससे शादी करी है उसके साथ रह रहे हो तो क्यों अपने प्रॉब्लम्स को आप खुद से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। सॉल्व करो ना प्रॉब्लम, अगर आपको और ऐसा लगता ही है कि सॉल्व नहीं हो सकती, कोई चारा नहीं है इस इंसान के साथ, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है, तो डिवोर्स दे दो उसे, क्यों उसको संग संग घसीट रहे हो अपने साथ साथ। तुमने तो अपनी खुशियां बाहर ढूंढ ली, उस इंसान का क्या, और वापस से घर आके फिर वही कलेश हैं और सब कुछ। अगर आपको ऐसा ही लगता है कि इस इंसान के साथ मेरा कोई फ्यूचर ही नहीं है, ये रिश्ता बिल्कुल ही ख़राब है और कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर डिवोर्स दे दो, हो जाओ अलग, और नहीं तो इस रिश्ते पे काम करो, ना कि ये बहाने बना के बाहर कहीं चीट करने लग जाओ। और सबसे एक और लास्ट पॉइंट ये कि अपनी गलतियों को ओन करो। अगर आपके अंदर जो गलतियां हैं जो कमियां हैं उनको ना हमेशा दूसरे में ही मत निकालते रहो, अपनी गलतियों पे भी ध्यान दो। मैं मानती हूँ कि हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गलत हो, उसमें 10 कमियां हो लेकिन 2 कमियां आप में भी होंगी ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। तो पहली बात तो दोनों मिलके बैठ के बात करो, एक दूसरे को प्रॉब्लम्स बताओ अपनी कि मुझे तुमसे ये प्रॉब्लम है और वो बताएगा ये प्रॉब्लम है, बैठ के प्यार से बात करो और दोनों अपनी अपनी गलतियों पे काम करने की कोशिश करो। और इन द मीन टाइम अगर फिर से वो गलतियाँ दोहराई जाती हैं, अपने पार्टनर को बताओ कि सी दिस इज़ रॉन्ग, ये मुझे यहाँ गलत लगता है। तो अगर आप इस तरीके से अपने रिश्ते पे काम करने की कोशिश करोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक दूसरे को सिर्फ ब्लेम करने से, एक दूसरे को नीचा दिखाने से, हमेशा लड़ते झगड़ते रहने से यही होगा कि आपका रिश्ता ऐसी चीज़ पे पहुंच जाएगा कि एक ना एक पार्टनर फिर ना उन खुशियों को, उस रिश्ते को, उस बॉन्ड को, उस प्यार को कहीं बाहर ढूंढने निकल ही जाएगा। और एट दी एंड आपका रिश्ता ही सफ़र कर रहा है और आगे चल के फिर इसका कोई फ्यूचर होगा ही नहीं, या तो फिर वो डिवोर्स देके किसी और के साथ ही चला जाएगा या फिर आपको भी संग लेके घूम रहा है और कहीं ना और बाहर अपने मज़े भी कर रहा है। तो इन चीज़ों पर जाना ही क्यों, प्लीज़ संभल जाइए, यही वक्त है और अपने रिश्ते पे काम करना शुरू कर दीजिए। बहुत सारी मेरी ऐसी वीडियोस हैं जो आपकी हेल्प कर सकती हैं, कपल स्पेशल मेरी जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। बहुत सारी मैंने ऐसी वीडियो बनाई हैं जो आपके रिश्ते को हैप्पी और चीयरफुल और लवेबल बनाने में आपकी हेल्प करेगा। तो इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ और मैं मिलती हूँ आपसे एक अगले टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। ये वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।